चुनाव आ रहे हैं, देख लीजिएगा ब्राह्मण का रुख किधर रहेगा, और ब्राह्मण ये चीज़ कभी भूलने नहीं जा रहा। और ब्राह्मण के लिए हरामी शब्दों का प्रयोग करना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ ना कुछ इसके राजनीति मायने हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जीतन राम मांझी ने पंडितों को लेकर एक विवादित बयान दिया, उसके बाद से ही बिहार की सियासत में हंगामा हो गया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वेद प्रकाश पांडे जी हैं। वेद प्रकाश पांडे जी, जिस तरीके का बयान आया जीतन राम मांझी का, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग लिया, क्या अब संतुष्ट है माफ़ी मांगने के बाद? देखिए, माफ़ी मांगना ना मांगना ये आज ब्राह्मण नहीं समझ रहे। हाँ, मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ, और चूंकि ये फैमिली फंक्शन में ये बातें तो कही नहीं उन्होंने, कुछ बंद कमरे में ये बातें तो कही नहीं उन्होंने, ये बातें उन्होंने पब्लिक इवेंट के दौरान कही, पब्लिक मंच पे कहा। और ब्राह्मण के लिए हरामी शब्दों का प्रयोग करना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कुछ ना कुछ इसके राजनीति मायने हैं। जीतन राम मांझी जी हम लोगों के गार्जियन स्वरूप हैं, हम लोग उनको गार्जियन लायक दर्जा देते आए हैं, लेकिन उनके द्वारा ये इतना गलत शब्दों का चयन कि ब्राह्मण हरामी हैं, भाई आप किसको हरामी कह रहे हैं? जो इस धरती पे पूजा पाठ करा रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, हर लोग उनको पूजन करने के लिए स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको गाली बक रहे हैं? अरे, आप जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, किसी प्रकार का जात धर्म मजहब की बात सोचनी ही नहीं चाहिए। और आज के तिथि में देख लीजिए, आज के समय में कोई भी जातीय धर्म मजहब देख करके राजनीति नहीं कर रहा है। भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो ये NDA के हिस्सा हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सभी जाति धर्म को लेकर के चल रहे हैं। तो एक चीज़ तो आज ब्राह्मणों ने ठान लिया है, आगामी माफ़ी तो मांग ली है ना मांझी, हो सकता है स्लिप अभी तंग हो गया हो उनसे। कि इतने उम्रदराज बिहार के कई बार मंत्री रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, और स्लिप ऑफ टंग, हरामी, चलिए आपने पंडितों को कहा, साला सत्यनारायण, अरे भगवान तक की तोहीन। तो ये ऐसा नहीं है कि शब्दों को चयनित नहीं किया गया, ये एकदम चयनित करके ये शब्द बोला गया है, पब्लिक मीटिंग में ये बातें हुई हैं। तो क्या कारण रहा होगा? अब ये तो भाई वही बता सकते हैं क्या कारण रहा होगा। कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो ये पब्लिक इवेंट में ये बातें हुई हैं और इसका राजनीति दृष्टिकोण है। आगामी चुनाव होने जा रहे हैं, ब्राह्मण ये बात भूलने नहीं जा रहा है, और आगामी चुनाव में ब्राह्मण दिखा देगा कि ब्राह्मण हरामी है या ब्राह्मण क्या है। ये ब्राह्मण ये बात भूलने नहीं जा रहा है। NDA को अगर ये लगता है कि मांझी जी ने स्टेटमेंट ये सही दिया है ब्राह्मणों के प्रति, हरामी शब्द का चयन करके, भगवान को गाली दे करके, तो ये कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा, और ब्राह्मण शांत नहीं बैठेगा, ब्राह्मण बताएगा। चुनाव आ रहे हैं, देख लीजिएगा ब्राह्मण का रुख किधर रहेगा, और ब्राह्मण ये चीज़ कभी भूलने नहीं जा रहा। चुनाव आ रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी का कोई असर जो है वो UP में है नहीं, भले ही वो चुनाव लड़ेंगे लेकिन जितना तो उन्हें है नहीं शायद, तो इसलिए इस चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने ये बयान दिया, ये कह रहे हैं। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, जिस घटक दल में वो हैं, जिस NDA में वो शामिल हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ जाते हैं, ब्राह्मणों के साथ बैठ करके पूजा अर्चना करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन शब्दों का चयन करके तो उनके सारे चीज़ों को ये धूमिल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कभी आप राम को कह देते हैं कि ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, आज तो इतनी निंदनीय शब्द है कि ब्राह्मणों को हरामी कहना, ये पच नहीं रह रहा है सारे ब्राह्मणों को, भगवान तक के आगे गाली लगा देना, ये माफ़ी मांग लेने से ये काम और तो बातें दबने वाली नहीं तो है। अब जो जुबान से निकल गया है उनके मुंह से, अब क्या करें जीतन राम मांझी? अब उनका सोच है, आगे क्या करें,
कैसे आखिर ब्राह्मण ये बात भूले जो आज उनको हरामी जैसा शब्दों का प्रयोग करके खुले मंच पे बोला गया। ये अब बाकी जो उनके साथ हैं लोग उनको देखना है कि हाँ ये शब्द सही प्रयोग किया गया है या गलत शब्द प्रयोग किया। चलिए, ये थे राम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वेद प्रकाश पांडे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जीतम राम मांझी ने ब्राह्मणों को गाली दी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है, और नसीहत देते हुए कहा है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी तक लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।